मैं चाहता हूं कि रोजगार हो, उद्योग लगे, इस पे बात करूंगा। हमारे मोदी जी बोले थे 2 करोड़ नौकरी के बारे में, आज तक वो मैनिफेस्टो में बताएं कि कितने को नौकरी दिए हैं, इस पे बात करें मोदी जी, जो वादा किए उस पे खड़े उठे। बिहार जातिवाद के कान पिछड़ा, बिहार कोई सांसद और विधायक कान पिछड़ा नहीं, बिहार जातिवाद में फंस के पिछड़ा। सड़क बना हुआ, विकास हो रहा है, कौन बनवाया? नरेंद्र मोदी बनवाया है। प्रोग्रेस यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, जो पहले से पार्टी है वहाँ प्रोग्रेस कुछ नहीं दिख रहा है, बाकी और महंगाई बढ़ाया जा रहा है। अच्छा बोलता है कि सालाना 10 लाख रुपया लेडीज को देगा, लाख रुपया देगा साल में लेडीज को, लाख रुपया। उसके पहले 10 साल पहले उड़ाज कर रहा था, कैगो रुपया लेडीज को दिया। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आप जा। देखिए चुनाव शुरू हो चुका है और फिलहाल हम मुंगेर के गांधी चौक के पास मौजूद हैं, और अगर मुंगेर की बात करें तो यहां पर चौथे चरण में चुनाव होने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि यहां पे एनडीए की तरफ से ललन सिंह उम्मीदवार है, वहीं दूसरी तरफ राजद की तरफ से अशोक महतो की जो पत्नी है उनको इस बार टिकट दिया गया है। तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ इस बार इनका मिजाज है, किसको वोट देने की बात कर रहे हैं, क्या राजद को वोट करें या फिर से ब्रांड मोदी का जो जादू पूरे देश में चल रहा है वही देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो आइए बातचीत करते हैं, किसको वोट करेंगे? मैं करूँगा राजद को, इंडिया गठबंधन। क्यों? क्योंकि मोदी जी या मैंने जो वादा किए हैं आज तक वो पूरा नहीं किए हैं, ना कुछ कोई उद्योग है, न रोजगार है, न कुछ है। तो आप जिसको वोट करने की बात कह रहे हैं उनको तो उन पर आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं, तो क्या कहेंगे? ये उनकी पत्नी लड़ रही है, वो नहीं लड़ रही है ना, उसके ऊपर कोई छवि नहीं है या कोई मैंने कोई केस नहीं है उनके ऊपर। पत्नी लड़ रही है लेकिन शादी तो अभी रिसेंट इसीलिए की है ना कि पत्नी चुनाव ही लड़े, इसी पर्पज से शादी ही हुआ है। देखिए आज से कुछ दिन पहले, इसके पहले ललन सिंह के पहले हमारे सूरज भान सिंह के पत्नी लड़ी थी, वो भी थी बाहुबली, लेकिन उस पर उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगे थे, वो भी तो बाहुबली थे ना। तो नहीं उसी तरह ये विपक्ष का काम ही है कि एक दूसरे को मैंने इकड़ना, और मैं चाहता हूं कि रोजगार हो, उद्योग लगे, इस पे बात करूंगा। हमारे मोदी जी बोले थे 2 करोड़ नौकरी के बारे में, आज तक वो मैनिफेस्टो में बताएं कि कितने को नौकरी दिए हैं, इस पे बात करें मोदी जी, जो वादा किए उस पे खड़े उतरे। किसको वोट करेंगे? नरेंद्र मोदी जी को करेंगे। आपके सांसद पहले तो यहाँ से कैंडिडेट नरेंद्र मोदी नहीं है, तो क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही वोट करेंगे? नरेंद्र मोदी को ही वोट करेंगे, आजीवन नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। आजीवन करेंगे, नौकरी मिले या ना मिले फिर भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। नौकरी अगर नहीं मिलता 20 साल से तो खुद कर रहा है, धंधे कर रहा, कहाँ उसका परिवार का क्यों नौकरी मिल गया। लेकिन तो फिर बिहार में बिहार इतना पिछड़ा क्यों है? नीति आयोग का रिपोर्ट देखिए, बिहार जातिवाद के कान पिछड़ा, बिहार कोई सांसद और विधायक कान पिछड़ा नहीं, बिहार जातिवाद में फंस के पिछड़ा। जातिवाद में भी फंस जाता है लेकिन वोट तो अभी मोदी को ही दे रहा है और केंद्र में मोदी की सरकार है। आपके अगर मुंगेर की बात करें तो आपके जो एनडीए अलायंस के हैं वही हैं, अभी ललन सिंह ही आपके पिछले सांसद थे, फिर विकास क्यों कितना हुआ है आपके? वही रहा, विकास नहीं हुआ। क्या विकास हुआ है आपके? पूरा विकास है, कहाँ क्या दिक्कत है? मुंगेर का पुल बना हुआ है, मुंगेर का सड़क बना हुआ, विकास हो रहा है। कौन बनवाया? नरेंद्र मोदी बनवाया है। इस बार क्या ललन सिंह को ही वोट करेंगे? सिवरेज का पाइप जा रहा है। क्या आप जो आप जिस जाति की बात कर रहे हैं तो क्या भूमिहार जाति के लोग ललन सिंह को वोट नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। फिर वोट करता है, कोई जाति को उसको नहीं वोट करता। ये लोग हिंदू मुस्लिम वाला लोग है तो आपको आरजेडी वाला बात कर रहा है। मुस्लिम सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम फिलहाल बात करें तो भाजपा का, आरजेडी वाला कभी नहीं जीतेगा। सबसे ज्यादा भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है, ये आपको नहीं? कुछ नहीं, ऐसा है ही नहीं है। भाजपा तो सबको मिला के चल रहा है। हिंदू मुस्लिम नहीं करती तो हर चुनावी जहाँ पे प्रचार करने जा रहे हैं राम मंदिर का ही नाम क्यों ले रहे हैं? बीजेपी कभी भी आपके बगल में है ना बेगूसराय, आपके बगल में है बेगूसराय, जो सांसद है गिरिराज सिंह, दिन रात तो हिंदू मुस्लिम। ऐसा कोई बात नहीं हमारे मुंगेर। अब आपको लगता है ना क्योंकि आप समर्थक है, किसको वोट करेंगे? नौकरी जो है ज्यादा अनाउंस करेगा। कौन देगा नौकरी, किस पे भरोसा है? तो पार्टी वक्त बता देगा हमको, तुरंत समझ में आ रहा है किसको वोट देना है। ठीक, हम खोल के नहीं बता सकते हैं इस चीज़ को। आपके आपके क्षेत्र के लिए अगर यहाँ मुंगेर की प्रोग्रेस यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, जो पहले से पार्टी है वहाँ प्रोग्रेस कुछ नहीं दिख रहा है, बाकी और महंगाई बढ़ाया जा रहा है, उसके बाद वैकेंसी सही से नहीं दिया जा रहा है,
ठीक, बहुत तरह की अड़चने हैं जो कि मतलब बयान क्या नहीं जा सकता उसके बारे में। मुंगेर के लोगों के लिए मुद्दा क्या है, किस चीज़ की कमी है, क्या चुनाव का मुद्दा क्या है यहाँ के? बेरोजगार लोग तो बहुत भटकते रहते हैं मुंगेर, मुंगेर तो बिहार में ही आते हैं ना। बेरोजगारी चार सौ पाँच सौ रोज कमा रहे, बेरोजगार कमा के जा रहे हैं, देख रहे छोटा दुकान लगा रहे, हजार रुपया कमा के जा रहे हैं डेली, पाँच सौ महंगाई के मुद्दा, पाँच सौ कुछ नहीं, जीरो है महंगाई के नाम पर, पाँच सौ रुपया जीरो है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बिहार में कोई रोजगार, जिसके पास बिजनेस के लिए पैसा नहीं रहेगा वो क्या करे? हम लोग तो छोटा बिजनेस कर रहे हैं मैडम, 10,000-20,000 से करके 1,000 रुपया कमा के जा, वो भी अगर किसी के पास नहीं, उतना तो सरकार दे रही है, नगर निगम दे रही है 10,000, करिए ठेला पे धंधा करिए, कैसे नहीं हो रहा, मोदी के राज में सब हो रहा। किसको वोट करें? मोदी को। मुद्दा क्या है? बस मोदी है हमारे, मोदी बहुत सारे काम हमारे मोदी किए हैं, मोदी तो काम, मोदी मुंगेर में काम किए हैं। मुंगेर की जनता, मैं तो एक बात सुनू, मुंगेर की जनता का सारा का, मुंगेर की जनता सभी का मांग है मोदी, एक बार सभी बोल के कष्ट की आवाज लगाइए, मोदी 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 मोदी। और क्या जाए, चाचा क्यों मोदी को वोट करेंगे? मोदी का बोलो ना, बड़ा मोदी मोदी कर रहे थे आप, मोदी है तो बताइए क्यों वोट करेंगे? काम कर रहा है। क्या काम कर रहे हैं? नल लगा रहा है, राशन कार्ड बनाया है, गैस सिलेंडर सबको फ्री में दिया है, गरीब सब को हर जगह बात लगा के बीमा दिया है। कितना फ्रीक्वेंटली, कितने बार आते हैं आपके सांसद, करंट सांसद ललन सिंह जो है, आते हैं क्षेत्र में? आते हैं कभी को आते हैं, जहाँ मैन चूज होता है, मैंने उसका जब प्रोग्राम होता है तब आते हैं। जब प्रोग्राम होता है, कब प्रोग्राम होता है? कभी भी होता प्रोग्राम आते हैं। तो बस प्रोग्राम होगा तभी आपके सांसद आपके क्षेत्र में आएंगे, और तब आपका काम भी हो रहा है, सब आते हैं, काम भी हो रहा है। हाँ, इन लोग से पूछिए, बता देंगे अपने। आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है? पूरा विकास हो रहा है। फिर ये जो रोजगार का मुद्दा विपक्ष उठा रही है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? उसके बाद कोई मुद्दे नहीं है, उसका कोई मुद्दा नहीं है, उसके पहले राज करता था तो कौन विकास किया ये बताइए। हाँ अच्छा, बोलता है कि सालाना 10 लाख रुपया लेडीज को देगा, लाख रुपया देगा साल में लेडीज को, लाख रुपया, उसके पहले 10 साल पहले वो राज कर रहा था, क्या रुपया लेडीज को दिया? 10 साल राज किया, कहाँ दिया लेडीज को, क्या पैसा दिया? पहले तो लालू राजनीति कर रहे थे ना, लालू यादव यहाँ ना करते थे, देश का राजनीति। बिहार में अगर वोट पड़ रहा है ना, जो इंडी गठबंधन की बात करें या महागठबंधन की, वो लालू के नाम पे ही पड़ रहा है। लेकिन सब बात सही है, लेकिन देश में मोदी ही रहेगा। आपके सांसद से कितना आप लोगों को प्रोग्रेस हुआ है, मतलब अगर केवल ललन सिंह की बात करें, क्योंकि कैंडिडेट तो वही है ना। हाँ, सांसद ही काम कर रहा है, तभी तो मोदी को वोट दे रहे हैं। सवाल है कि हम तो मोदी को देख के उनको वोट दे रहे हैं, ठीक है ना? आप बहुत बोल रहे थे, फिर आपके ही क्षेत्र के लोग ये क्यों बार बार बोल रहे हैं? कुछ लोग तो कह ही रहे हैं, हमारे क्षेत्र में आपको बोले, अभी तक मैं कितना आदमी आपको मोदी के विरोध में बोले? तीन लोग तो बोल ही दिए ना, दो तीन लोग का कोई गिनती नहीं होता, 200 लोग। मोदी नहीं तो कोई नहीं, मोदी है तो सब है। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। कौन सा बिजनेस? आगे शॉप है कपड़े का। किस जाति से हैं? पुद्दार, पुद्दार हिंदू है। जिनको समझदारी नहीं है ना, वही मोदी के विरोध में है। मोदी के अलावा और है कौन? आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, कौन ऐसा है? हाँ नहीं नहीं, आप अंदरूनी तौर पर तो कोई भी आदमी, विकास कहाँ नहीं दिख रहा है? देखिए, अच्छा सड़क पर चल रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, अब क्या चाहिए? आप कैसा विकास होता है आप ही बताइए, आप कैसा विकास होता है? अभी जिसको राजद की तरफ से जिनको कैंडिडेट बनाया है, तो क्या लग, अनिता देवी हैं, अशोक महतो की पत्नी है, रिसेंट शादी करके उनको टिकट दिया गया है, क्या लगता है कि अगर वो जीतती हैं या लोग उनको चुनते हैं, जो कि आप लोग के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो फिर क्या स्थिति रहेगी यहाँ? नहीं, उनको जीतने, उनको हम वोट ही नहीं दे रहे, हम मेरा मानना है कि हम जिसको वोट दिए वो जीत रहा है, और यहाँ सारा लोग ललन सिंह को वोट दे रहा है, बस सिंपल सी बात है, अगले के जीतने की तो बात ही नहीं हो रही। क्या कैंडिडेट को लेकर कभी आप लोगों के मन में नहीं आया कि मुंगेर से दूसरा कैंडिडेट होना चाहिए? ये तो भैया बताएंगे। ललन सिंह को ही बार बार जो मौका दिया जाता है, तो क्या लगता है कि मुगल यहाँ जो मुंगेर के कोई और स्थानीय ऐसा नहीं है जो कि चुनाव लड़ सकता है? देखिए मुंगेर, देखिए जो 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 हम लोगों के पास जो है, ऐसा नहीं है, ललन सिंह ये तीसरी बार है शायद उनका, है ना, थर्ड टर्म है उनका, दो बार इनका काम बढ़िया रहा, तब तो इनको जदयू से दोबारा टिकट दिया गया। अच्छा, आपके यहाँ कास्ट इक्वेशन क्या है, जात के नाम पे, जैसे कि पूरे बिहार में वोट पड़ता है, ये सच्चाई है, क्या लगता है मुंगेर में भी ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, जात पात नहीं होता मुंगेर में, ऐसा परसेप्शन है कि जो अपर कास्ट के, हाँ, मुस्लिम वोट नहीं करते हैं, तो इसमें कहाँ तक मुस्लिम वोट नहीं कर रहे हैं? ठीक है, जाति पाति यहाँ नहीं होता है, ये मुंगेर है,
शांति का जगह है। तो फिलहाल हम मुंगेर के गांधी चौक पे मौजूद थे, जहां की हमने लोगों से बातचीत करी और यहां के स्थानीय सांसद और जो भी अभी प्रत्याशी बनाए गए हैं दोनों गठबंधन के तरफ से, उनके बारे में बातचीत करी और जानने की कोशिश की कि उनका क्या राय है। तो बहुत मिला जुला जो है सबका ओपिनियन आया है, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो यहाँ के लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, मोदी पर भरोसा है। और यहाँ के लोगों का यह कहना है कि मोदी हैं तो देश का भी विकास होगा और मोदी के रहते ही हमारे मुंगेर का भी विकास हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है और यहाँ से जो दोनों कैंडिडेट खड़े कराए गए हैं दोनों गठबंधन की तरफ से, उसमें किसके आगे जाने की ज्यादा संभावना है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।